गुड मॉर्निंग, मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। ये यूनिट डिजिट का पार्ट टू लेके मैं आ रहा हूँ। इससे पहले पार्ट वन अपलोड किया है। अगर जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं उनको पार्ट टू देखने में प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पार्ट टू के डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट वन का लिंक मैं डाल दूँगा। दोनों को देखना ज़रूरी है। जब तक दोनों नहीं देखेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि जब तक क्लियर कंसेप्ट पहले बिगनिंग में बताते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड मैथ को हल करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो पार्ट वन देखें। मैं लिंक इसमें डाल दूंगा पार्ट टू में, ताकि आप देख लीजिएगा यूनिट डिजिट होता क्या है। ये जितना भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, ये सारा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ तक यूपीएससी के प्रिलिमिनरी में भी ये क्वेश्चन डाला है। अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो जो कहते हैं वो माने या फिर नहीं माने, आपकी मर्जी है। मैथमेटिक्स के जो लोग भी गणित के बीमार हैं ना, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो आए इसको देखे, अपनी बीमारी को हल करें, नहीं तो सारी ज़िंदगी बीमार ही रहेंगे मैथमेटिक्स का। देखिए सवाल नंबर वन लिखा है हमने, यूनिट डिजिट बाय यूनिक आइडिया कैसे निकालते हैं। देखने से सवाल आपको घबराहट होगा। देखिए सवाल नंबर वन, देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने रहा। 97 पे पावर है 37। इसमें बोलता है कि यूनिट डिजिट बराबर क्या होगा। इस तरह का जो सवाल आएगा ना, तो 97 को 37 में अगर गुना करना चालू करेंगे, इतनी बार 97 को 37 बार गुना करना पड़ेगा, तो हमको अंदाज है कि अनमैरिड होंगे ना, बाल बच्चा भी हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए कैसे करते हैं, कैसा टेक्निक है, कैसा फास्ट ट्रिक है। इसे पहले हम बता चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी नंबर के यूनिट में हो, यूनिट अंक हो किसी भी नंबर का, इसमें से कोई भी हो, तो उसको लिखा था नो चेंज। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको सबसे पहले वीडियो नंबर एक इसका देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 0, 1, 5, 6 क्या होता है। इसके अलावा अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट हो, जैसे कि 7 दिया है, तो उसका हल कैसे निकालेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि अगर ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक को ज़रूर देख लें आप। देखिए इसका यूनिट डिजिट है 7, अभी ये 0, 1, 5, 6 इनसे कोई ये नहीं मिलता है यूनिट डिजिट, इसलिए यहाँ ये फार्मूला नहीं लागू होगा, दूसरा फार्मूला लगेगा। नंबर के जो सबसे लास्ट में डिजिट है उसको एज इट इज़ उतारे, 7 एज इट इज़ उतारे। अब 7 उतार लिया, इसका पावर है 37, इसे 37 में 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से डिवाइड करना है, ये पहले वाले वीडियो में देखिए, 4 नमा कितना होगा 36, 9 चौक 36, 7 में से 6 गया 1, ये घट गया शेष बचा 1, ये कट गया 9 बार में शेष बचा 1, जो शेष बचता है वो इस पे पावर चढ़ता है। इसलिए मैं बोला कि इसे पहले वाले वीडियो को देखिए, उस पर पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर किया कि ये बेस कैसे चढ़ता है। अगर बेस ये क्या बोलते हैं शेष फल अगर नहीं बचे तो क्या करेंगे, इसलिए आपको ज़रूरी होगा वीडियो नंबर वन देखना। अगर वीडियो नंबर वन नहीं देखेंगे तो फिर इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड किया 37 में, 9 बार कट गया शेष बचा 1, ये शेष इस बेस का पावर होगा, यानी 7 पर पावर 1, इसका मतलब 7 हुआ, यही आपको 7 यूनिट डिजिट हुआ। ये 3 सेकंड में सवाल बनने वाला है, यही आपको 7 यूनिट डिजिट हुआ। सवाल नंबर 2 देखिए, भागीय मत, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जितना भी क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में भी पार्ट 1 में बताया, सारा एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी जितना अभी पार्ट 2 में बताएंगे सब एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 25 पे पावर है 6251 प्लस 36 पे पावर है 598 प्लस 73 का बोलता है यूनिट डिजिट निकाले। हमने शॉर्ट में लिखा यूडी बराबर वाट, यूडी स्टैंड्स फॉर यूनिट डिजिट। इसमें आप देखिए कि 25 को 6251 बार मल्टीप्लाई करना है, ये मुमकिन है क्या, इंसान पागल हो जाएगा। आप पागल हुए तो क्या हुए, 36 पे 598 बार गुना करना, ये मुमकिन है क्या, नहीं। इसे पहले बता दिए कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में ये कोई भी नंबर आता है तो ये नो चेंज होता है। इसीलिए मैं आपको बताया कि इससे पहले वाले वीडियो को देखना आप नहीं भूलें। यहाँ देखिए कौन मिलता है, 5 और 6, इनके अंदर है क्या, है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। इस 5 का 5 ही यूनिट डिजिट हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, 1 लाख पावर हो उससे बहस नहीं है। प्लस का साइन, यहाँ साइन है प्लस का, इसलिए प्लस। 6 पे पावर 598 कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी पावर हो उनका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। या प्लस 73 का यूनिट डिजिट 3 है, इनको जोड़ दीजिए 6 5 11 11 3 हो जाएगा 14 14 का 4 जो होगा ये यूनिट डिजिट होगा, यानी कि 4 जो होगा
ये यूनिट डिजिट होगा, इनका आंसर हुआ 2 सेकंड में। क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है, बहुत फ्रेम बना के क्वेश्चन सेट करता है, ऐसा नहीं करता है कि 25 को 6251 बार गुना करे, वो एकाग जन्म लग जाएगा, उसमें भी गुना नहीं होगा, दावा है, नहीं तो गुना करके आप देख लीजिए। इनका जवाब यही 4 होगा, 6 5 11 11 3 14 14 का यूनिट डिजिट जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा, ये आंसर हुआ। भागिए मत, देखिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आगे। ये देखें सवाल नंबर 11 का पावर 1, ठीक से देखें आप सवाल। ये देखें सवाल 11 का पावर 1 × 12 का पावर 2 जो सवाल आपके पास, इस तरह का सवाल है। तो क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन का फ्रेम बनाता है ना, बहुत टेक्निक से बनाता है, इसको कुछ नहीं करने का, इसका सब एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें ध्यान देने का है कि एक इसमें ये सब एक इवन है, एक इवन नंबर है, एक ओड है। देखिए ओड है, इवन है, ओड है, इवन है, ओड है। तो आपको पता होगा कि किसी भी ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से गुना करते हैं तो ये 10 हो जाता है, लास्ट में 0 हो जाता है। किसी भी तरीके से करके आएंगे उतना ही होगा। 5 को अगर वो ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, लेकिन ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से करेंगे तो 5 × 20 = 0 आएगा। इसको कुछ करने की ज़रूरी नहीं है, 1 सेकंड में इसका जवाब देना है कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, एक ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, लास्ट पकड़ना है। यहाँ 4 है, 4 को 5 से गुना करेंगे तो ये 20 होगा। इसका जो है ना यूनिट डिजिट वो 0 के बराबर होगा, यानी 0 ही इसका यूनिट डिजिट होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ करने की ज़रूरी नहीं है। इस तरह का सवाल जब भी देखिए, एक का डिफरेंस है, पावर में भी एक का डिफरेंस है, इस तरह का सजा कर देता है। 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 5 × 20, 20 का यूनिट डिजिट 0 होगा। इस सवाल का जवाब 0 होगा, इसके आगे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए जितना फार्मूला लगाना है लगा लीजिए, लेकिन जवाब इसका 0 ही होगा। ठीक, अब 5 वाला आपको बताया था कि 5 वाला का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी करके चलिएगा फिर भी आपको 0 आएगा। जैसे देख लीजिए अब एक राउंड, यहाँ यूनिट डिजिट है 1, इनको मल्टीप्लाई किए 2 से 3 से 4 से 5 से, ये हो गया यूनिट डिजिट। पावर को छोड़ दीजिए आप, 2 × 3 एक को 2 से मल्टीप्लाई 2 या 6, ये देखिए 6, अब 5 × 20, 20 का मतलब हुआ 6 × 12 = 120, फिर भी यूनिट डिजिट 0 आया। पावर भी रख दीजिएगा फिर भी 0 आएगा, इसका मतलब हुआ कि इस सवाल का यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, आइए चौथा सवाल देखिए आपके सामने। 7 पे पावर 195 − 3 पे पावर 58, इसका निकालना है यूनिट डिजिट। देखने के बाद तबीयत ख़राब हो जाएगा, देखिए कैसे इसको निकालते हैं टेक्निक से। अगर टेक्निक नहीं अपनाइएगा एग्जामिनेशन में आपसे नहीं हल होगा, किसी से नहीं हल होगा जब तक टेक्निक नहीं अपनाइएगा। कुछ नहीं करना है, इससे पहले मैं आपको बताया गया 0, 1, 5 और 6, इनमें से देखिए कोई टच करता है क्या, कोई मैच करता है क्या, दोनों बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो मैच जो नहीं करेगा उसके यूनिट डिजिट को एज इट इज़ उतार लेंगे 7, इससे पहले वाले वीडियो में देखिए। अभी 7 यूनिट डिजिट हमने उतार लिए, इससे पहले कुछ भी हो यूनिट डिजिट ही उतारना है। अभी 195 में 4 से डिवाइड करना है, इसके लिए भी वीडियो नंबर 1 देखिए। 4 का मतलब हुआ कि 4 × 16, इसमें से 16 दिया, 3 कट गया 35, 8 × 4 कितना हुआ, 8 × 4 = 32, 3 ये कट गया, शेष बचा 3, ये शेष 3 बचेगा, जो शेष बचेगा उसके बेस का पावर होगा माइनस, ये एज इट इज़ उतारेंगे 3। ये कैसे पावर होगा वीडियो नंबर 1 में बताया है, ये 58 में फिर 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे वीडियो नंबर 1 में है। 1 में करेंगे 4 × 1 = 18, 4 × 4 = ये होगा 16, 8 में से 2 गया 6, ये शेषफल यानी रिमाइंडर 2 हुआ, इनका पावर चढ़ेगा 2। कहाँ से बचा शेषफल, वो इससे पहले वाले वीडियो में देखिए। यानी 7 का पावर 3 होगा, यानी 7 × 7 × 7 −3 × 3, देखिए 10 × 7 = 49, 49 × 7 = 7, ऐसे गुना कर लीजिए 9 × 7 = 63 के 3 × 6 = 6, 6 + 7 = 28 और 28 × 6 कितना होगा 34, ये होगा 343 −9। कभी गलती मत कीजिएगा कि यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट घटा दीजिएगा, वो गलती होगा। इसमें से वो घटेगा, 13 में से 9 गया, 9 × 4 = 13, बच गया 3, 3 × 3 = 34, ये 334 वाला यूनिट डिजिट मांगता है, इसका 4 जो है यूनिट डिजिट होगा, यही इसका आंसर होगा। 4 जो होगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा, 4 जो होगा यूनिट डिजिट होगा। देखने में आता है, देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा।
348 गुने 72 गुने 82 में स्टार लगा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, स्टार है। इसमें कितना नंबर डालेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 2 के बराबर होगा, ये सवाल को बदल दिया, यूपीएससी के प्रीलिमिनरी में पूछे हुआ है। 348 गुने 772 गुने 82 स्टार है, स्टार स्टार का यहाँ पे नंबर पूछता है कि कौन सा नंबर इनपुट करेंगे कि उनका यूनिट डिजिट 2 के बराबर होगा। आपको बता चुके हैं कि 1, 0, 1, 5, 6 इनमें से मिलाइए तो कोई यूनिट डिजिट मिलता है क्या? यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ स्टार है, इनसे नहीं मिलता है, इनको छोड़ दीजिए, नहीं मिला तो अब यूनिट डिजिट लेके आइए। ये हुआ 8 साइन मल्टीप्लिकेशन का, यूनिट डिजिट 2 स्टार, अब इनका यूनिट डिजिट पता नहीं तो स्टार लेके हम आएंगे, इनको स्टार लेके आए, इन दोनों को गुना किया, 8 दूना 16 और गुने स्टार होगा, ये ऐसे लिखिए आप, 8 दूना 16 बराबर 8 दूना 16 गुने स्टार, ऐसे स्टार करें। अब ये बराबर कितना कहता है? 2 के। अब बताइए कि 16 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, तो एक तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 16 दूना 32 एक यूनिट डिजिट 2 होगा, और दूसरा इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 ऐसे लिखिए, 16 को मत, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यूनिट डिजिट 2 के बराबर आया। दूसरा 7 छक्के 42 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 7 छक्के 42 42 में यूनिट डिजिट 2 आया, ये यूनिट डिजिट के बराबर हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिट डिजिट को या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यूनिट डिजिट 2 के बराबर होगा, यही 2 एवं 7 इसका आंसर होगा। ठीक, 2 एवं 7 इसका आंसर होगा, ऐसे देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखें आप, देखिए लास्ट सवाल, 629 गुने 128 गुने 8 स्टार है, ये बराबर दिया हुआ है इनका गुना, अगर यूनिट डिजिट 8 के बराबर हो तो स्टार में कौन सा नंबर डालेंगे जो यूनिट डिजिट 8 के बराबर हो। यहाँ देखिए 0, 1, 5, 6 इससे कोई मिलता है यूनिट डिजिट इसका? नहीं मिलता है, इनको भूल जाइए, इनका यूनिट डिजिट उतारिए 9, साइन है मल्टीप्लिकेशन का, इनका यूनिट डिजिट उठाइए 8 और इनका यूनिट डिजिट उठाइए स्टार, ये है स्टार। अब ये देखिए 8 नवा 72 72 गुने स्टार, ठीक है। अब इनका देखिए यूनिट डिजिट 2 है, ये बराबर दे रखा है 8 के, यहाँ दे रखा है 8 के। अब बताइए कि इसमें किसको गुना किया जाए कि 8 के बराबर होगा, तो एक तो इसको गुना कर सकते हैं 4 से, ये 4 दूना 8 यूनिट डिजिट इसके बराबर होगा। दूसरा किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप? 2 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 18 का मतलब हुआ 8 इसका यूनिट डिजिट हुआ। तब इसका क्या मायने हुआ कि अगर यूनिट डिजिट 8 के बराबर होगा तो किस किस को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ स्टार की जगह पे 4 भी होगा और 9 भी होगा, यही दोनों इनका आंसर हुआ। अगर 4 भी रखते हैं तो 8 आएगा, 9 भी रखते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, यही बताना था जवाब में, क्वेश्चन शीट में 9 और 4 आपको दोनों रहेगा, इस तरह का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आप चुन सकते हैं आसानी से। ये यूनिट डिजिट का काफ़ी अच्छा सवाल मैंने आपको बताया, ये सारा सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन का सवाल, ये पूछा हुआ एग्जामिनेशन का सवाल है। अगर आपको हमारी बताई हुई बात यूनिट डिजिट में कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और लेटेस्ट और फास्ट ट्रिक के साथ हम वीडियो डालते हैं, आप खुद इसको रियलाइज़ करते हैं। अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर पसंद नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, नो ग्रीवांस फ्रॉम योर साइड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ फिर अब तक वीडियो पहुँचाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।